ये देखिए इसका हाउसिंग पाइप कैसे ये टूट के लगड़ गया। ये पत्रे का लगा रखा, इसमें सुराग भी नहीं है, देख पा रहे होंगे सुराग होना चाहिए इसमें, चूड़ी कटी होनी चाहिए, ये करके नहीं दिया। और ये बॉल बैरिंग डाल दिया 6307 नंबर का, ये बॉल बैरिंग नहीं डालते, टेपर बैरिंग होती है जिससे कि ये बहुत ही मजबूत और किफायती रहती है। बात हो भाई, मैंने तो धोखा बहुत सारा खाया हूँ। हमने 5 लाख रुपए लेके सूरत गया कपड़ा का बिजनेस करने के लिए, लेकिन वहाँ का इतना दुकानदार है और वहाँ बहुत सारा दलाल है जिसने मुझे लूट लिया, सामान दिखाया कुछ और हम लोग को मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट में डाल दिया कुछ और। वहाँ हमने माल देखा तो मेरा माल सेलिंग हुआ नहीं, वहाँ से हमने 5 लाख रुपया गंवा करके फिर यहाँ यह देखे कि चलो भाई यहाँ देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। कलेजा पे पत्थर जो कहते हैं वही पत्थर रख करके हम लोग यहाँ। एक हमारे ये जाकिर भाई जी हैं, इधर आइए जरा, हमारे दर्शकों को बोलिए हेलो। बैठ रही है, बैठ रही है, चलो। इन पे मुझे बहुत गर्व होता है, जाकिर भाई पे। इनकी दुकान है नोएडा में खुद की, और ये देख पा रहे हैं इनके वो पाइज है, फिर भी ये वर्क कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है इनके ऊपर और मैं बहुत इनके साथ हूँ। ये मशीन रिपेयरिंग का काम करते हैं। अब ये ले क्या है कि ये मशीन वहाँ संजीव के पास ही सही हो सकती है, तो ये ले क्या है और ये बता रहे हैं कि कितनी घटिया चीजें हैं। अब आप बताइए, जरूरी था इस मशीन को, देख पा रहे होंगे ये मशीन वाला ब्रांड की मशीन है। ये चारों तरफ से दिखाओ, ये मशीन वाला ब्रांड की मशीन है। और ये मशीन अभी अभी हमारे पास एक सज्जन आए हैं जिन्होंने मार्केट में बात करके मशीन ले ली थी। बीच में उन्होंने ऐसे ही कहा था कि सर आपकी मशीन इतनी महंगी हो रही है। मैंने कहा क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, अच्छी चीज़ देते हैं और लंबे समय तक काम करना है, और थोड़े से 1500 चक्कर में मार्केट से मशीन लेके आए। ये एक दिन नहीं चली और मशीन देखिए कैसे हाथ में आ गई। अब हमारी और इसे नाप के दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए थोड़ी सी बाबरी है, ये 4 mm की दिख रही है, 4 mm की है ये, 4 mm का तवा लगाए ऐसे ही आप देख रहे हो कैसे ये बज रहा है। और इसका ये देखिए, ये पाइप आया है स्क्वायर में, ये 3 पत्थर का बना दिया जो कि 2 mm साइड में, ऊपर भी पत्ती लगा रखी है यहाँ पे और इधर भी, और ये सेंटर पाइप लगा रखा है यहाँ पे। यहाँ जूम करके दिखाओ, ये सेंटर पाइप लगा रखा है हमने, और ये इसकी जो ये शाफ्ट लगा रखी है 50 mm 2 इंची मोटी, और पूरा अंदर सुराग है जिससे कि एडजस्टिंग की जाती है। ये हांडियों की सेटिंग होती है, तवा लगाई है। ये मशीन एकदम लोहा टन मशीन, हैवी ड्यूटी मशीन है। ये सब चीजें बहुत ही जरूरी रहता है। और देखिए इस मशीन को, थोड़ा सा भी प्ले नहीं मिलेगा टायरों में, एकदम हैवी ड्यूटी हब लगा है। और ये मशीन आप देख पा रहे होंगे, ये एक जगह हिलाएंगे तो पूरी मशीन हिलने लगेगी, देखिए पूरी हिल रही है ये। और दूसरी ये लॉक देखिए, लॉक कैसे 5 mm का लगा रखा है, और इसकी वजह से कितनी परेशानी हुई जिसने ये खरीदा था। कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में, और बहुत ही बहुत घटिया तरह की बनी हुई है, और ये इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब आपको एक इंजीनियर से मशीन बनवाएंगे या कोई प्रोडक्ट बनवाएंगे तो वो बेहतरीन मिलेगा, इंजीनियर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अब ये ट्रॉली देखिए, ये सर ही बनवाए थे, वो उससे लेके परेशान हो गए थे। अब ये ट्रॉली कैसी है देखिए आप, अगर आप इस पहिया पहिया आ रहे हैं और जब पलटेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या पाँव में चोट लगेगा बहुत तेज और काम भी नहीं करेगा। तो ये ट्रॉली ऐसे नहीं बनती है, बहुत बेकार है। और ये आप देखते हुए आ रहे होंगे, ये चलती हुई ट्रॉली सर ने बहुत ही घाटे में वापस करी, बनवा ली, पर ये ऐसे नहीं बनती है। अब ये ट्रॉली हमारी जो है बहुत लेटर अच्छा डालती है, देखिए ये ऐसे पलटने में, इसके आगे जो ये पाइपों पे बनाया है मूर्ति, ये बहुत हल्की चलती है, इससे ये बेनिफिट है। तो आप लोग से यही विनती है कि कभी भी कोई सा प्रोडक्ट लें तो अच्छी तरह जांच पड़ताल करके और कंपनी प्रोफाइल देख के, आपके पैसे बहुत ही खून पसीने के होते हैं। अगर आप फ्रेंड से ले रहे हैं, ब्याज पे ले रहे हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मशीन और क्वालिटी और इंजीनियर का बेसिक ध्यान रख के, यही आप लोगों से विनती है। और मैं चाहता हूँ आपके पैसे सही जगह इन्वेस्टमेंट हो, और आप बेसिक 3-4 जगह रेट लें वो अच्छी बात है, पर आपको ही देखना पड़ेगा ध्यान से कि वो बंदा प्रोडक्ट सही बना रहा है या नहीं बना रहा है, उसके पास अच्छे इंजीनियर है, मैनेजमेंट कैसा है, सर्विस कैसी है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो सर की तरह आपके भी पैसे लॉस होते रहेंगे। जब से आप चैनल कस देते हैं तो यहाँ से तो पैर रख के चढ़ते हुए आ रहे हैं, अब ये बताइए यहाँ थोड़ी चढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इससे ही एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। अब बंदा वजन से देख, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे इनकी मशीन का ये चैनल टेढ़ा हो गया है कैसे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आई। अब इसे हम ऑन करेंगे, ऑन हो गया, अब चालू करो, आप देखो चालू हो गया एक बार में,
अब इसका वाइब्रेशन देंगे। आप सर इधर हो जाइए, उधर कैसे चल रहा है, देखिए ये कैसे चल रहा है, चलाओ ये देखिए, देख पा रहे होंगे किस तरह से चल रहा है ये। एक हफ्ता से बात कर रहे हैं और YouTube हमारे लिए बहुत ही थैंकफुल है। YouTube के जरिए हम सब कोई जुड़ रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे कोई नहीं जानता है, उसके ऊपर जुड़ने के बाद सब कोई जुड़ जाता है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते ही लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो आप भी जुड़ जाएंगे मशीन वाला संजीव कुमार के साथ और आपका सारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। जो भी मशीनें चाहिए हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप बस कमेंट कर दीजिए, उसका सलूशन मैं करने के लिए बैठा हूँ। मैजिक दिखाऊंगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये मैजिक क्या है, आराम से घुमा रहा हूँ, पूरा मैं समझा कि ज्यादा जोर लगा रहा हूँ। ये तीन की है, ये एक हाथ से उठ जा रही है, देखो अबे मैं तो तेज उठा रहा था भाई। और सबसे बड़ा मैजिक और दिखाता हूँ, ये जैसे हमने मोटर लगाया है ये देखिए, इसके अंदर एक और मैजिक दिखाता हूँ, इसके अंदर लगा क्या है, ले इसे नंगा ही लगा दिया है मोटर को और इसके अंदर कुछ कवर ओवर लगाया नहीं है। बताइए ये ऐसी ये छिटकली भी यहाँ पे अपना सोच रही है, मैं अपना घर बना रखी हूँ, इस पर छिटकली बैठ गई है, हट जा भाई ठंड लग रही है, चल वहीं रह। राधे राधे दोस्तों, मैं संजीव कुमार मशीन वाला का भी आपसे मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक्साइटेड हो जाइए, आज बहुत ही एक्साइटेड चीज होने वाली है। आप देख पा रहे होंगे ये पावर ट्रोवल और ये टैंपिंग रेमर जो कि बहुत ज्यादा धूम मचा रहा है और जो इसको लेके जा रहे हैं इनके बारे में हमेशा आपको फीडबैक मिलता ही रहा है, पर एक बहुत ही नई फीडबैक मिलेगी। जी ये है सुमन कुमार जी आए हैं मुजफ्फरपुर से और इनके ये जीजा जी हैं, सर जी ये श्याम यानी हमारे कृष्ण जी श्याम जी नाम से जुड़ा हुआ है और जब नाम से जुड़ा है जो उसका भक्त हो तो उसके पास तो वो पहुंच ही जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो मुझे आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर श्याम जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमारे दर्शकों को हाय बोलिए। हाय। और सुमन जी आप भी हाय बोलिए हमारे दर्शकों को। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा पावर ट्रोवल को लेके, फ्लोटर को लेके, ट्रिम स्टिलो के और ये दुर्मुट मशीन को लेके जो कि बहुत ही धूम मचा रहे हैं और आपके बिजनेस में या आपको बिजनेस करना चाहते हैं छोटा मोटा उसके लिए सर्च कर रहे हो तो हमारे पास मशीन वाला YouTube चैनल पे बहुत सारी मशीनें हैं जो कि आपको बिजनेस करने के लिए एकदम प्रोत्साहित कर सकती है। तो देख पा रहे होंगे पावर ट्रोवल और दुर्मुट मशीन, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हरी का नाम लेंगे, वैसे तो हरी के स्वरूप है ही हमारे पास श्याम जी, पर फिर भी हम नाम लेंगे हरी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा। उधर देख के बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। वेरी गुड। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सर से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे फिर इसको चला के भी दिखाएंगे। इधर आइए आप सुमन जी, आप पहले सभी को हाय बोलिए उधर देख के। हाय। आप बताइए किस तरह से मशीन वाला में पहुंचे ये मशीन लेने के लिए, इधर आइए यहाँ पे, यहाँ खड़े हो जाइए। हाँ, किस तरह से मशीन वाला में पहुंचे ये मशीन लेने के लिए इसके बारे में बताइए। मैं यूट्यूब पर देखे लेके यहाँ तक और कहाँ कहाँ बात हुआ, फिर यहाँ का कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा वो बताइए। हम मोबाइल निकाले और एक आदमी के देखे मशीन, उसके बाद यूट्यूब पर निकाले तो यूट्यूब पर इनका आया नाम और नंबर लिए, उस पर कॉल लगाए तो बात हुआ तो बोले कि फलाने जगह है इस जगह आ जाइए गाजियाबाद। कितने दिन से आप YouTube पे देखे, कितने दिन से बात कर रहे हैं? लगभग वही एक हफ्ता से बात कर रहे हैं और YouTube हमारे लिए बहुत ही थैंकफुल है। YouTube के जरिए हम सब कोई जुड़ रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे कोई नहीं जानता है, उसके ऊपर जुड़ने के बाद सब कोई जुड़ जाता है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते ही लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो आप भी जुड़ जाएंगे मशीन वाला संजीव कुमार के साथ और आपका सारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व। जो भी मशीनें चाहिए हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप बस कमेंट कर दीजिए, उसका सलूशन मैं करने के लिए बैठा हूँ। और आगे बताइए फिर यहाँ पे कैसे पहुँचे? यहाँ कॉल लगाए तो टिकट निकाले, फलना टाइम हुआ 25 तारीख को टिकट निकाले और चला है 2 तारीख को, उन्हें से कॉल लगाए तो बोले कि गाजियाबाद आइए, तो गाजियाबाद आए मशीन वशीन देखे वही किन लिए। सर जी साले साहब है इनके श्याम जी के, तो अभी थोड़े से बच्चे मत बोलो, अभी बड़े हो ही जाएंगे, बाकी इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। आपके घर से इनका घर कितने का फ़र्क है? 35 किलोमीटर है। ये 35 किलोमीटर दूर से आए हैं सर जी के पास, यानी ये अपने ससुराल आए हैं और अपने साले साहब का मदद कर रहे हैं।
क्योंकि मदद करना हमेशा सबका बहुत ही अच्छा है, ये कर्तव्य होना चाहिए, सबकी मदद करते रहना चाहिए। और यहाँ तो रिलेशन है भाई जीजा साले का, अगर ये भाई साहब नहीं भी जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो महारानी जी बैठी रहती है वो कहेंगी जल्दी जाओ। बहुत अच्छा लगा इनसे। अब आप बताइए आपको यहाँ का व्यवहार कैसा लगा और किस तरह से यहाँ डीलिंग हुई। आप थोड़े से एक्सपीरियंस बंदे हैं, मान लीजिए ये नए नए बंदे हैं, पर आपने बहुत सारा तजुर्बा लिया है जी, तो आपको यहाँ का कैसा लगा व्यवहार जरा बताइए सबको। हमें यहाँ का बहुत अच्छा लगा, उधर देख के बोलिए कैसा। हमें यहाँ का बहुत अच्छा व्यवहार लगा, जैसे कि हमने फोन करके वहाँ से आए, तो जैसे जैसे आए वैसे वैसे इन लोग से संपर्क होते गया फ़ोन के जरिए। उसके बाद में यहाँ हम लोग आनंद विहार उतरे, आनंद विहार से फिर हम लोग यहाँ आए लाल कुआं तक, वहाँ से हम लोग को रिसीव करके लाए और अच्छे से हम लोग को खाना पीना का भी इंतजाम किए। उसके बाद में हम लोग को अच्छा से सामान उमान दिखाए, उसके बाद में जो बात हुआ पैसा वैसा का लेन देन करके हर चीज़ में हमको अच्छा लगा। इनका व्यवहार जितना अच्छा लगा, इनका दुकान भी अच्छा लगा, इनका प्रोडक्ट सामान जो भी हम लोग खरीद रहे हैं वो भी अच्छा लगा, इसलिए हम लोग सामान लिए हैं। फिर इससे आगे हम लोग जाएंगे, काम आएंगे, फिर और लोग को भी दिखाएंगे और बहुत सारा यहाँ से हम लोग सामान ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा आपने, काबिले तारीफ है। और आप ये बताइए हमने कितना इसमें आपको डिस्काउंट भी करा, आपने जो बात रेट कहा उतना हमने आपका बात भी रखा, क्योंकि आपने जो चीज़ें बताई हमें बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कि आपकी बात रखी गई कि नहीं रखी गई जी, जो भी हम लोग कहे उसके जरिए से मतलब हम लोग को बहुत रिस्पांस मिला है यहाँ से। सामान में भी हम लोग को कुछ कमी बेसी हुआ है। भाई सरजी ने कहा कि हमने सर ब्याज पे पैसे लिए हैं ये काम करने के लिए, और ब्याज से याद आया मैं हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूँ कोई सी वक्त कोई सा भी काम करे तो पहले उसका एक्सपीरियंस ले लें, थोड़ा सा उसका क्या है तजुर्बा ले लें, मार्केट का रिसर्च कर लें, और ऐसे लोगों से जो ले के गए हैं उनसे उसका फीडबैक ले लें, कंपनी का भी सब चीज़ का। और ब्याज से याद आया कि इन्होंने एक काम और शुरू किया हुआ था सर ने, उसमें क्या हो गया था ये छोटी सी स्टोरी बताएंगे, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि लाइफ में हमें किस तरह रहना चाहिए। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बताइए आप अपनी बात। वो भाई मैंने तो धोखा बहुत सारा खाया हूँ, हमने 5 लाख रुपए लेके सूरत गया कपड़ा का बिजनेस करने के लिए, लेकिन वहाँ का इतना दुकानदार है और वहाँ बहुत सारा दलाल है जिसने मुझे लूट लिया, सामान दिखाया कुछ और हम लोग को मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट में डाल दिया कुछ और। वहाँ हमने माल देखा तो मेरा माल सेलिंग हुआ नहीं, वहाँ से हमने 5 लाख रुपया गंवा करके फिर यहाँ यह देखे कि चलो भाई यहाँ देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। कलेजा पे पत्थर जो कहते हैं वही पत्थर रख करके हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारा हमको खुशी मिला कि जो हम लोग जिसके साथ मुझे जो सही से व्यवहार करते हैं वही व्यवहार मेरे साथ यहाँ भी हुआ है अभी तक, और आगे भी इसमें कमी नहीं करेंगे सर लोग हैं कि पूरा हम लोग विश्वास करते हैं कि आगे किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी होने वाला। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं संजीव कुमार मशीन वाला के बिहेफ से मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है जी। आज मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट की मशीन और मशीन वाला की मशीन, जो मशीन वाला ब्रांड आपको देता है क्या ऐसा देता है जो कि आपको लगता है कि ये वैल्यू ज़्यादा है पर ये बहुत ही बेस्ट है। मैं आपको बताऊंगा जो कंपटीटर होते हैं या जो ये मशीनें बनाते हैं उनके पास बेस्ट इंजीनियर नहीं है और बेस्ट क्वालिटी नहीं है। इन मशीन में और इस मशीन में क्या अंतर है देखिए, एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं बस आपकी नॉलेज के लिए, और ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको एकदम मेक एक इस नॉलेज के बारे में बताऊंगा कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना जरूरी था। इस मशीन को देख पा रहे होंगे, ये मशीन वाला ब्रांड की मशीन है, ये चारों तरफ से दिखाओ, ये मशीन वाला ब्रांड की मशीन है। और ये मशीन अभी अभी हमारे पास एक सज्जन आए हैं जिन्होंने मार्केट में बात करके मशीन ले ली थी, बीच में उन्होंने ऐसे ही कहा था कि सर आपकी मशीन इतनी महंगी हो रही है, मैंने कहा क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, अच्छी चीज़ देते हैं और लंबे समय तक काम करना है, और थोड़े से 1500 चक्कर में मार्केट से मशीन लेके आए, ये एक दिन नहीं चली और मशीन देखिए कैसे हाथ में आ गई। अब हमारी मशीनों में जो है ये इसकी हांडी देखिए, अब मैं इसकी खासियत बताता हूँ क्या क्या इसके अंदर कमी है। ये आप मशीन देख पा रहे होंगे हमारी, जो ये हाफ बैग कंक्रीट मिक्सर मशीन है और ये भी हाफ बैग कंक्रीट मिक्सर है। ये तवा जो हम लगाते हैं ये 8 mm मोटा लगाते हैं, और ये देखिए वर्नियर मेरे हाथ में है और ये इनका देखिए कितना मोटा लगा रखा है, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ नजदीक करके दिखाओ, ये मैंने इसे ऑन कर लिया और इसे नाप के दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए थोड़ी सी बाबरी है, ये 4 mm की दिख रही है, 4 mm की है ये,
4 mm का तवा लगाए, ऐसे ही आप देख रहे हो कैसे ये बज रहा है। और इसका ये देखिए, ये पाइप आया है स्क्वायर में, ये टीन पत्थर का बना दिया जो कि 2 mm का है कुल, और इसके अंदर चद्दर लगा के ये बना दिया है। ये आपकी मशीन है, बहुत ही धोखेबाजी की जा रही है, और ये ऐसी मशीन नहीं होती है। और ये देखिए ये हौजिंग, पहले मैं झूले का बता देता हूँ, झूले का दिखा देता हूँ आपको, एक एक करके दिखा देता हूँ कि कंपेरिजन करके कि क्या क्या कमी है। ये पाइप का बना रखा है, 4 इंची के पाइप का, ये 4 सूत का नट लगाया है। और ये सापट में देखिए, सुराग भी नहीं है, यहाँ सुराग होनी चाहिए। अब ये देखिए ये मशीन, ये मशीन वाला ब्रांड की मशीन है। देखिए इसके अंदर आपको ये फुल चैनल का बनाया गया है, ये वेल्डिंग का निशान देख रहे होंगे, इससे पता चलता है, यहाँ पे दिखाओ ये वेल्डिंग का जो निशान दिख रहा है, इससे पता चलता है ये पाइप का है या चैनल का है, और वो पाइप का है। यहाँ पे सुराग करके देखिए, 2 नट दिया हुआ है, और ये देखिए ये पाइप कैसे, ये पाइप है, इसमें वेल्डिंग का निशान कहीं नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये ऑलरेडी पाइप है। और दूसरा, इसके ऊपर हमने पत्ती लगा रखी है, दोनों साइड में ऊपर भी पत्ती लगा रखी है यहाँ पे, और इधर भी, और ये सेंटर पाइप लगा रखा है यहाँ पे, यहाँ जूम करके दिखाओ, ये सेंटर पाइप लगा रखा है हमने। और ये इसकी जो ये शाफ्ट लगा रखी है 50 mm 2 इंची मोटी, और पूरा अंदर सुराग है जिससे कि एडजस्टिंग की जाती है, ये हांडियों की सेटिंग होती है। ये देखिए इसका हाउसिंग पाइप कैसे ये टूट के निकल गया, ये पत्रे का लगा रखा है, इसमें सुराग भी नहीं है, देख पा रहे होंगे सुराग होना चाहिए इसमें, चूड़ी कटी होनी चाहिए, ये करके नहीं दिया। और ये बॉल बैरिंग डाल दिया 6307 नंबर का, ये बॉल बैरिंग नहीं डालते, टेपर बैरिंग होती है जिससे कि ये बहुत ही मजबूत और किफ़ायती रहती है। और तवा देखिए कितना बड़ा तवा लगाया, कितनी मोटी तवा लगाई है, ये मशीन एकदम लोहा टन मशीन, हैवी ड्यूटी मशीन है। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी रहता है। और देखिए इस मशीन को, थोड़ा सा भी प्ले नहीं मिलेगा टायरों में, एकदम हैवी ड्यूटी हब लगा है। और ये मशीन आप देख पा रहे होंगे, ये एक जगह हिलाएंगे तो पूरी मशीन हिलने लगेगी, देखिए पूरी हिल रही है ये। और दूसरी ये लॉक देखिए, लॉक कैसे 5 mm का लगा रखा है, और इसकी वजह से ये कितनी परेशानी हुई जिसने ये खरीदा था, कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में, और बहुत ही बहुत घटिया तरह की बनी हुई है, और ये इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब जिन्होंने ये मशीन ली थी, चलाई थी, वो तो जो है, एक हमारे ये जाकिर भाई जी हैं, इधर आइए जरा, हमारे दर्शकों को बोलिए, हेलो, बैठ रही है, बैठ रही है, चलो। इन पे मुझे बहुत गर्व होता है, जाकिर भाई पे, इनकी दुकान है नोएडा में खुद की, और ये देख पा रहे हैं इनके वो पाइज है, फिर भी ये वर्क कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व होता है इनके ऊपर, और मैं बहुत इनके साथ हूँ। ये मशीन रिपेयरिंग का काम करते हैं। अब ये ले के आए हैं कि ये मशीन वहाँ संजीव के पास ही सही हो सकती है, तो ये ले के आए हैं और ये बता रहे हैं कि कितनी घटिया चीज़ें हैं। अब आप बताइए कि क्या क्या कमी है इस मशीनों में। मैं तो हांडी का जिस दिन गई थी, जिस पार्टियां ली थी, हाँ, उसी दिन से सिलेरी बाहर आने लगी बैरिंग से, हांडी में से ही एकदम सिलेरी बाहर आनी। हाँ, ये निशान देख पा रहे होंगे, ये देखिए निशान, ये नई मशीन पे सिलेरी आ रही है, इसका मतलब सीमेंट इसमें से टपकना चालू हो गया। अब बताइए नई मशीन में से सिलेरी आने लगी, और कहाँ से एडजस्टिंग करोगे, एडजस्टिंग तवा फट गया, एडजस्टिंग कहाँ से करेंगे गरारी का, और ऊपर से इसमें सुराग भी नहीं दे रखा है, और उसके बाद ये फट गई तो हमने हमारे पास रिपेयर के लिए आई, इनके पास रिपेयर के लिए आई, और जिससे ली थी उसने साफ मना कर दिया, भाई हम इसे नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखिए, अभी भी सुराग दिख रहा है, इधर आइए मैं दिखाऊं, ये देखिए ये नई मशीन में, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा ये वर्नियर घुस गया, ये यहाँ सुराग दिख रहा है, इतनी बेहतरीन मशीन बनी है। अब आपको यकीन होगा कि मशीन वाला क्या देता है, मशीन वाला एकदम क्वालिटी देता है, ब्रांड देता है, और आपको बेहतरीन सर्विस देता है, इसलिए आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों को समझाना मेरा फ़र्ज था, कर्तव्य है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं से भी मशीनें लें, इन चीज़ों के लिए ज़रूर कंसल्ट करें मशीन वाला के लिए। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ कि किस तरह से मशीनें ठीक करनी है, किस तरह से सही करनी है, क्या प्रॉब्लम है, और फ्री सॉल्यूशन देता हूँ। और मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सिखाने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं, पर मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दीजिए अगर आपका कंस्ट्रक्शन का या मशीनरी का बिजनेस है। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जाकिर भाई की बहुत सारी नॉलेज जो दी उसके लिए धन्यवाद। मशीनों को एकदम देख के कंसल्ट करके लें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पैसे बहुत ही बहुत वो कीमती हैं, और ज़्यादा मेहनत से कमाए गए पैसे हैं, उनको सही जगह इन्वेस्ट करें।
तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही अच्छा लगे तो शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार, मैं संजीव कुमार मशीन वाला के बीएफ से, मेरे यूट्यूब चैनल मशीन वाला में स्वागत है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लाऊंगा। जैसे बहुत सारी धोखाधड़ी चलती रहती है और आप लोग से हम जैसे टीम कॉन्टेक्ट करती है कि सर ये मशीन कितने की है, और वो आपको बताते हैं तो आप कहते हो कि और कहीं से रेट लेके रखते हो तो वो कहते हैं वो इतने की दे रहा है। तो इन चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको अपनी कंपनी की प्रोफाइल वीडियो भी दिखाई थी जिसमें बताया था कि हमारे पास बड़े बड़े इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर सब इन मशीनों को देख के क्वालिटी चेकर चेक करके जब मशीनें बनाते हैं। तो इसी तरह की प्रॉब्लम एक हमारे सर के पास आई है जो बहुत ही अच्छे हैं और ओम शांति से भी जुड़े हुए हैं, और इसकी वजह से बहुत ही अच्छे हैं जिससे वो मशीन बनवाई उन्होंने। वो मशीन बहुत ख़राब बना दी। ये जैसे सर है हमारे डीके राकेश जी हैं जिन्होंने मशीन बनवाई, और इतना अच्छा, इसमें पैसा भी बहुत लग गया, और फिर भी इनकी मशीन इतनी कबाड़ा बना के दे दी। सिर्फ इसलिए क्योंकि बस वहाँ इंजीनियर की टेक्नोलॉजी काम नहीं आई, वो सही इंजीनियर नहीं थे, ट्रेंड भी इंजीनियर नहीं थे। इसकी वजह से देख आप देख पा रहे होंगे कि जैसे इनकी मशीन का ये चैनल टेढ़ा हो गया है कैसे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आई। आप बताइए सर, आपका फर्स्ट जब प्रॉब्लम आया तो क्या क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने क्या कहा? मैं कोई परेशान नहीं, लेकिन हमें जो है इसमें बार बार कभी तो चेक और कभी जो है बैरिंग होते हैं, हमी के बैरिंग में भी चेक में और कैंची जो है कैंची बिल्कुल बेकार, और गाटर को आप सर देख रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम है। आज जो है एक्सीडेंट होने से बचे, एक्सीडेंट होने से बचे, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो है वो बच गए। जो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट इधर लाओ। जैसे ये ऑपरेटर है, ये चलाते हैं मशीनों की, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है चैनलों में, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए जैसे कि आप ये ये देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब सपोज करिए आप चैनल कस देते हैं तो यहाँ से तो पैर रख के चढ़ते हुए आ रहे हैं, अब ये बताइए यहाँ थोड़ी चढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इससे ही एक्सीडेंट के कार चांसेस होते हैं। अब बंदा वजन लेके ऊपर चढ़ रहा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैं चढ़ के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये यहाँ मैंने उंगली रखा है, ये यहाँ पे बुश जो लगता है बहुत चौड़ा बुश लगता है, मैं अपनी मशीन में भी दिखाता हूँ। और एक और चीज़, ये जो है ये पत्ती का लगा दिया, ये देखिए ये इससे एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, ये पत्ती का लग गया, जबकि यहाँ पे हैंड लीवर बना के लगाते हैं उससे बेहतरीन रहता है, वो ज़्यादा अच्छा चलता है। मैं अपनी मशीन में भी दिखा देता हूँ कैसे लगाते हैं हम, कि आप हमारी मशीन में देख सकते हैं कि क्या लगाया है। मैं इशारा करके दिखाता हूँ, जूम करके भी दिखा देंगे, ये हमने चिड़िया मोड़ के लगाया है, इससे क्या है ये बहुत अच्छा क्लीन चलता है। और ये बूट देखिए, ये बूट बहुत मोटा है, इसकी वजह से ये बूट, इसकी वजह से बैरिंग नहीं टूटता जल्दी और स्मूथ चलती है मशीन। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उस मशीन में जो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ आपको, आइए। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे चाका लगा हुआ है, ये सब ये चेक करने वाली चीज है, ऊपर से टूटेगा गिरेगा तो भी है, देखो ये बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वो जो क्लिच का बोल्ट होता है ना, इसे बार बार चूहे टाइट करना, तो बहुत सारी बार बार टाइट करना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि ये थोड़ी दिखा रहा हूँ, अब आपको एक इंजीनियर से मशीन बनवाएंगे या कोई प्रोडक्ट बनवाएंगे तो वो बेहतरीन मिलेगा, इंजीनियर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अब ये ट्रॉली देखिए, ये सर ही बनवाए थे, वो उससे लेके परेशान हो गए थे। अब ये ट्रॉली कैसी है देखिए आप, अगर आप इस पहिया पहिया और जब पलटेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या पाँव में चोट लगेगा बहुत तेज और काम भी नहीं करेगा। तो ये ट्रॉली ऐसे नहीं बनती है, बहुत बेकार है, और ये आप देखते हुए आ रहे होंगे ये चलती हुई ट्रॉली सर ने बहुत ही घाटे में वापस करी, बनवा ली, पर ये ऐसे नहीं बनती है। अब ये ट्रॉली हमारी जो है ये बहुत नई तरह से डालती है, देखिए ये ऐसे पलटने में, इसके आगे जो ये पाइपों पे बनाया है स्मूथली, ये बहुत हल्की चलती है, इससे ये बेनिफिट है। तो आप लोग से यही विनती है कि कभी भी कोई सा प्रोडक्ट लें तो अच्छी तरह जांच पड़ताल करके
और कंपनी प्रोफाइल देख के आपके पैसे बहुत ही खून पसीने के होते हैं। अगर आप फ्रेंड से ले रहे हैं, ब्याज पे ले रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मशीन और क्वालिटी और इंजीनियर के बेसिक ध्यान रखें, यही आप लोगों से विनती है। और मैं चाहता हूँ आपके पैसे सही जगह इन्वेस्टमेंट हो और आप बेसिक 3-4 जगह रेट लें, वो अच्छी बात है, पर आपको ही देखना पड़ेगा ध्यान से कि वो बंदा प्रोडक्ट सही बना रहा है या नहीं बना रहा है, उसके पास अच्छे इंजीनियर है, मैनेजमेंट कैसा है, सर्विस कैसी है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो सर की तरह आपके भी पैसे लॉस होते रहेंगे, जब से सर ने मशीन ली है तब से इसमें पैसे ही लगाए जा रहे हैं, पर अब हम मशीन को बहुत ही अच्छा मोडिफाइड कर रहे हैं दोबारा से और फिर सर को देंगे, तो सर थोड़ा सा फीडबैक बनाएंगे, बताएंगे कब जब से हम मशीन बना के हम इनका प्रोडक्ट सही करके दे रहे हैं, तो सर्विस एक्सपीरियंस बताएंगे सर आप कि हमने क्या क्या काम करके आप जो भी काम करा रहा था बहुत अच्छी पहले कर लिया और मशीन लिया वो भी आपकी सही करती है। हमें एक हमें क्या करें जब टायर जो है थोड़े करते हैं उसमें टायर भी रहते हैं, तो ये धोखाधड़ी थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा आपको मशीन वाला से। मशीन वाला के साथ जुड़ रहिए, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हमारा साथ दीजिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए और इस संदेश को सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार मशीन वाला के भी हाथ से मेरे यूट्यूब चैनल मशीन वाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बेहतरीन मैजिक दिखाऊंगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये मैजिक क्या है, तो आप सामने देखना कैसे ये चाइना हमारे देश को बेवकूफ बनाता है और आपको बेहद बेकार और बकवास मशीनें देके आपका टाइम बेकार करता है, आपके पैसे बेकार करता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं अपनी मशीनें दिखाता हूँ। जैसे ये मिनी कंक्रीट मिक्सर मशीन है, बेबी मिक्सर मशीन है, आप देख पा रहे होंगे ये मशीनें कैसे खड़ी है और मैं इसे चला के भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। हम यही से ऑन करेंगे, ये चलने लगेगी, ये देखिए कैसे वर्क कर रही है, देखिए कैसे वर्क कर रही है, कितनी अच्छी मशीन है, स्मूथ चल रही है एकदम, आप देख पा रहे होंगे। और मैं एक और चीज दिखाता हूँ, अब इस मशीन को देखिए चारों तरफ से कितनी हैवी मोटर लगी है, कितना हैवी डिजाइन है ये और कितना हैवी है, मतलब ये देशी मशीन है जिसे हम कहते हैं ग्वालंट दारा सिंह खली, इतना हैवी मशीन है। और ये देखिए आप ये छोटी सी मशीन देख रहे हैं और कितनी हैवी है। अब मैं ये मैजिक दिखाता हूँ, जैसे देखिए इसे हमारे ये स्टाफ कैसे उठा लेते हैं, आओ भाई इस मशीन को उठा के दिखाओ, देखिए ये बाज बाज रहे हैं तो हिल भी नहीं रही है, ये देखिए कैसे उठा रहे हैं कि हिल भी नहीं रही है। और एक देखिए मैजिक दिखाता हूँ, ये मशीन उठा के लाओ जिसके बारे में बात कर रहा था महाशय चाइना जी, इसे उठाओ भाई, इसे मशीन को उठा के जरा मार दो, ये देखो ये मशीन है जिसकी डिमांड करते हैं महंगा है सस्ता है, भाई देसी चीज तो देसी है ना, देसी दूध पिया है, देसी चीजें खाई है, जब जाके इतनी हैवी बनाई है, ये मशीन है। अब ये मशीन बच्ची सी लग रही है, ये टीन पत्थर की बना दिया है, टीना का बना दिया है, देखिए ये इसमें पहिए का पता नहीं है। और ये देखिए ये मैं आराम से घुमा रहा हूँ, पूरा मैं समझा कि ज्यादा जोर लगा दिया, ये टीन की है, ये एक हाथ से उठ जा रही है, देखो अबे मैं तो तेज उठा रहा था अभी। और सबसे बड़ा मैजिक और दिखाता हूँ, ये जैसे हमने मोटर लगाया है, ये देखिए इसके अंदर एक और मैजिक दिखाता हूँ, इसके अंदर लगा क्या है, ले इसे नंगा ही लगा दिया है मोटर को और इसके अंदर कुछ कवर ओवर लगाया नहीं है, बताइए ये ऐसी ये छिपकली भी यहाँ पे अपना सोच रही है, मैं अपना घर बना रखी हूँ, इसमें छिपकली बैठ गई है, अजनबी ठंड लग रही है, चल वहीं रहे। अब ये इसमें कवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या ये मशीन है, देखिए इस ये प्लास्टिक का ये बेल्ट चढ़ा दिया है रबड़ का। और ये मशीन, ये हमारी जितनी मशीन में मोटर में वजन है, इसे टोटल इस मशीन में वजन है, यही कंपेयर करके दिखाना चाहता था मैं, ये टीन पत्थर और पेच से ये गरारियां कसी गई है, पेच से कहीं गरारियां कसी जाती हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सस्ती चीज़ों पे आप मत ज़्यादा डिपेंड कीजिए, मशीनें अच्छी हों, देशी हो और हमारे देश के प्रोडक्ट यूज कीजिए, स्वदेशी यूज कीजिए। मशीन वाला, जी हाँ मशीन वाला भी देश के लिए मशीनें बना रहा है, ये मशीन जब से चाइना से एक्सपोर्ट वगैरह बंद हुआ, इंपोर्ट बंद हुआ, ये हमने खुद की मशीनें बनाई और चाइना की जो गद्दारी है, उल्टी सीधी चीज़ें हैं, वो मजबूरन में कोई कहता है मुझे सस्ती चाहिए ऐसी चाहिए, मैं परेशान हूँ कि ये वीडियो बना रहा हूँ दिखाने के लिए चाइना की मशीन, और ये हमारी देशी मशीन है, तो आपने देख लिया होगा कंपेयर करके, तो कैसी लगी मशीन और कैसा लगा इसका कंपेयर, आप मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये चाइना की मशीन चाहिए,
सस्ती मशीन चाहिए या हमारी देसी और ये तारा सिंह और खली वाली हैवी मशीन चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बनता है और मैं आपके लिए एक नई और बेहतरीन मशीन लेके आने वाला हूँ, जिसके लिए आप एक्साइटेड हो जाइए, वो धूम मचाएगी। बहुत ही अच्छी मशीन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में कि कौन सी वो मशीन है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दूध का जला, वो दूध से मुंह जला हुआ फूक फूक के भी खाता है, जैसे बिल्ली एक बार गर्म दूध पी लेगी तो वह फूक फूक के भी खाएगी, तो यही सर के साथ हुआ। बहुत ही हमें भी समझाने में, वो करने में, बताने में, अपने आप को साबित करने में थोड़ा टाइम लगा, पर जब ये कन्वेंस हो गए तो फिर एकदम कहा कि सर जी हम तो बस यहाँ बस गए। समझ लो ईमानदारी का जो परिभाषा होता है वो यही है मशीन वाला में। इनको बहुत ही विश्वास का फील हुआ सर की, आप बताइए कैसा फील हुआ आपको? कुछ भी लगा तो नहीं ऐसा कि आपके साथ कुछ ऐसा धोखाधड़ी होगा या कुछ भी? एकदम आपके साथ ईमानदारी से सब कुछ समझाया भी जा रहा है और गाइड किया जा रहा है। मेरे हिसाब से मेरे दिल में बहुत सारा डर था कि अगर जाएंगे तो फिर मेरा यहाँ पैसा ना कोई लुटा जाए, कोई मेरे साथ छल नहीं हो जाए, लेकिन हमने क्या किया कि अकाउंट में पैसा डाल करके आए, दूसरे तीसरे के अकाउंट में डाल दिए, कि जब सामान मिले, अच्छा व्यवहार लगे तो पैसा डालिएगा, हम इस और लोग के अकाउंट में डालेंगे हाँ स्कैनर द्वारा, कि अगर कुछ भी एक धोखा होगा तो हम यहाँ प्रशासन से हम कुछ मदद ले सकते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जो भी हुआ है, हम मुजफ्फरपुर बिहार से आए हुए हैं, हमारे मुजफ्फरपुर बिहार से, जिसका हम लोग पारू थाना हो गया। बहुत ही अच्छा हुआ अब आप लोग इतनी देर तक इंतजार किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी और अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा कि हमें भी कुछ नई डील करनी होती है तो क्या करना होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है, ये दोनों मशीनें हम सर से चलवा के दिखाएंगे। इधर आओ सर जी, का क्या काम है, आपका काम क्या है, अभी क्या करते हैं गाँव में आप? गाँव में तो मैं टेलर का काम करता हूँ, उससे मेरा कुछ होता नहीं है। टेलर है ये, अब मैं भी इनसे पैंट शर्ट सिलवाऊंगा थोड़ा बढ़िया बढ़िया। चलो उससे कुछ होता नहीं है, सारा रेडीमेड ने अभी ले मारा हम लोग का काम को। अब सोच रहे हैं कि कोई भी दूसरा हो धंधा जिससे हम लोग का रोजी रोटी चले। लगन में तो बहुत कमाते होंगे, एक नया नया डिजाइन का शर्ट वर्क है और नया नया वो फैशन निकालिए, फैशन डिजाइनर बनिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। तुम इसे चलाओ, ये सर जी ये चलाएंगे गाँव में, इसको यूज करेंगे तो ये इसे चला के दिखाएंगे। चालू करो भाई, इन्हें चालू करने दो, ये चालू करेंगे, तुम उसे चालू करके दिखाओ। हाथ में चोट नहीं लगेगा, चलो खींचो, चालू करो भाई। पहले चालू करने से पहले यहाँ ऑफ है, इधर लाओ, जूम करके दिखाओ, रुक जाओ, यहाँ ऑफ है, जूम करो पूरा। अब इसे हम ऑन करेंगे, ऑन हो गया, अब चालू करो आप, देखो चालू हो गया एक बार में, अब इसका वाइब्रेशन देंगे आप। सर इधर हो जाइए, देखिए कैसे चल रहा है, चलाओ, ये देखिए देख पा रहे होंगे किस तरह से चल रहा है, ये एकदम बेहतरीन, देखिए कितने एक्सपर्ट हो गए हैं ये चला चला के, एकदम बेहतरीन चल रहा है। आप देखिए वीडियो तक लाइव तक बन रही है, एकदम धुआंधार, देखिए किस तरह से चल रहा है, एकदम बंद करो, कम करो, बंद कर दो, हाँ बस बंद हो गया। तो ये मशीनें जो है आजकल बहुत ही चल रही हैं, क्योंकि हर किसी को टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए और टेक्नोलॉजी से क्या है, हर क्षेत्र में, हर काम में बहुत ही ज़्यादा वो मिलता है, क्या मिलता है, फिनिशिंग मिलती है, क्वालिटी मिलती है और काम बहुत फास्ट होता है। इसलिए ये प्रीमिक्स कहते हैं इसे, पावर ट्रोवल प्लस्तर करने के काम आती है, मिरर पॉलिश कर देगी। इसकी वीडियो मैंने हज़ारों डाली है जिसके बहुत रिस्पांस मिल रहे और बहुत ज़्यादा जा रहा है। आज मेरे दिल ने कहा सर की बातें, इनकी बातें, कि वीडियो बना के छोटा सा डाल दूँ इसके बारे में, तो उन चीज़ों में ये काम आती है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। ये दुरमुट मशीन आपका इतना काम आसान कर देगी सर जी, मान लो कि आप अपने फर्श, घर के अंदर फर्श बना रहे हो तो उसमें हाथ से दुरमुट मारते हो और तब फर्श डाल देते हो, तो वो क्या होता है बाद में एक दो साल के बाद नीचे की ज़मीन बैठ जाती है और वो फर्श टूट जाता है, फिर आपको उसमें 50 लाखों हजारों पैसे खराब हो जाते हैं। पर इसके द्वारा अगर बिठाया जाएगा, इसकी 5 टन कैपेसिटी है बिठाने की, 10 टन और 5 टन के बीच में, वो ऐसा बिठा देगा कि ये फर्श आपका कभी नहीं टूटेगा और आपका लेबर भी नहीं थकेगा। और सबसे खास बात कि इसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, इसका वाइब्रेशन एकदम इक्वल होता है तो सब जगह बराबर दबाएगा, ज़्यादा ज़्यादा है वहाँ भी उतना ही दबाएगा, कम है वहाँ भी उतना ही दबाएगा, इससे आपका फर्श नहीं दबेगा। और इससे पॉलिशिंग करोगे तो इससे क्या है क्वालिटी बहुत आएगी,
तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते ही लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सर जी आप बताइए और कुछ कहना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं हमारे बिहार के जो भी भाई अगर देख रहे हो, अगर पसंद आए तो ले सकते हैं बेफिक्र, कोई डर नहीं है, यहाँ आइए रहिए और देखिए, पसंद आए तो ले सकते हैं। और ये मुजफ्फरपुर के हैं, अगर आप जब मुजफ्फरपुर में कोई भी घर वर बनाने की सोच रहे हो सिविल से लेके, ये चीज़ें किराए पे चाहिए, तो आप अपना एड्रेस बताइए सीना थोक के एकदम। मैं सुमन कुमार बोल रहा हूँ, हनाई से मोतीपुर प्रखंड, और नंबर चाहिए तो नंबर नहीं एड्रेस बताइए। एड्रेस हनाई पिन कोड 8084 11। बस पूरा एड्रेस बताया इन्होंने, आप ये चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं। और वीडियो के जाते जाते हमने एक अभियान चलाया है प्लास्टिक मुक्त भारत, यानी पॉलीथीन मुक्त भारत। हमने ये थैले बनाए हैं, हर वीडियो में सबको ये इससे हम सम्मानित करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो सर जी ये आपको एक थैला हमारे तरफ से मशीन वाला कंपनी की तरफ से सम्मानित किया जाता है, देख के ये लीजिए। और आपको भी दिया जाता है, ये हमारे जितने भी सब्सक्राइबर आते हैं या हमारे जो भी संभावित ग्राहक आते हैं, हम सबको ये थैला प्रोवाइड करवाते हैं और इसका अभियान भी बताएंगे। ये थैला हमने दिया है सर, ये बनाया है हमने पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने के लिए। आप लोगों को अपने आसपास के एरिया में लोगों को जागरूक करना है। ये थैला स्पेशल इसलिए बनाया है कि आपको इंस्पायर करेगा, याद दिलाएगा संजीव कुमार की बातें कि हमें ये थैला क्यों मिला है। आपको क्या है ये लीजिए, गाँव में जाते हैं तो सब्जी इसमें लेके आना तो पॉलीथीन कम मिलेगा आपको, दे, दे, दे। इस तरह 50 पॉलीथीन दे देता है, पॉलीथीन लेके हम फेंक देते हैं तो ये क्या है, गाय माता वगैरह कूड़े में पशु खा लेते हैं, तरफ तरफ के मर जाते हैं, या हाँ, और नाली वाली में थैला फंस जाता है तो गटर में हम जैसे आदमी को उतरना पड़ता है साफ करने के लिए। और हमारे किसान भाई जो अन्नदाता है उनकी जमीनें बंजर हो रही है क्योंकि पॉलीथीन सड़ता नहीं है, तो कितना खतरनाक है ये पॉलीथीन। अगर आप लोग हम सब मिल के एक एक पॉलीथीन कम यूज करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो आप अपने गांव में अपने आप युवा हो, एकदम आप भी युवा हो, तो सभी युवाओं को ये चीज़ बताना, शर्माना मत, ये देश सेवा है। जिस तरह मशीन वाला उतरा है इस तरह आप लोग भी एक मशीन वाला की टीम हो, तो आप बोलो कि मैं प्रण लेता हूँ एकदम पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम लोग प्रण लेते हैं, हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे पेपर ऊपर से काम चलाएंगे। आप भी बोलो। मैं प्रण लेता हूँ, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो देशवासियों को जागरूक करूंगा, देशवासियों को बात चीज़। बहुत ही अच्छा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार, प्रेम से बोलिए राधे राधे।